इस समय नर्सिंग ग्राउंड में है, जो कि आर्मी का ग्राउंड है, और हमारे सामने इस समय काफ़ी युवा स्पोर्ट्समैन हैं जो कि मेनली फुटबॉल खेलते हैं। कल भी हम आए थे यहाँ पर और आप सब के आप में से कई लोगों से हमारा परिचय भी हुआ था, और उस परिचय के बाद ये समझ में आया कि रानीखेत के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। क्योंकि पहले यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर पोस्टिंग हुआ करती थी, उसके बाद एक साई के कोच भी यहाँ पर आया करते थे, जिनकी वजह से इन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। और इनसे कल मैंने वायदा भी किया था कि मैं इस मामले में उच्चाधिकारियों से कुछ बात करूँगा, तो प्रारंभ के तौर पर मैंने अभी कल आज सुबह ही एक वीडियो से फेसबुक में एक वीडियो डाउनलोड किया है, श्री विनोद सुमन जो कि पहले यहाँ पर SDM थे, आजकल IAS हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अल्मोड़ा के, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी जो युवाओं की युवा स्पोर्ट्समैन की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ज़रा ध्यान दें, और मुझे उम्मीद है कि इस कोशिश का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और वैसे मैं उनसे कुछ ही समय के बाद टेलीफोन पर भी वार्ता करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और इसी हम यहाँ पर हमारे सामने इस समय हैं श्री इदरीस बाबा जो कि कोच हैं, आपकी मेहनत के बारे में सभी लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने रानीखेत में स्पोर्ट्स को जिंदा रखा है, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि युवाओं के सामने कुछ कहें तो आप यहां आएं और मैं वहां आता हूं, आइए प्लीज़ आइए। मैं तो मनोज साहब आपकी मेहनत को देख रहा हूं, और जो आप ये हमारे लोगों के लिए इतना सोच कर रहे हैं ये तो किसी ने भी नहीं सोचा। हमारी जहाँ तक ज़िले का सवाल है, ज़िला रुद्रप्रयाग, ज़िला बागेश्वर, ज़िला चंपावत, ये सारे ज़िले से पहले की मांग हमारी थी, और जिसको बिल्कुल ही वो नहीं करा। अभी तक हम ही ज़िले के मामले में अटके पड़े हैं। हमें बड़ा अफसोस है, क्योंकि हमारे खेलों को और हमारे उसको, हमारे आने वाले टाइम के लिए, रानीखेत के विकास को, हर चीज़ को भी नुकसान पहुंच रहा है, और ज़िले की मांग हमारी सबसे पहले आज यही कहने के लिए होता है कि सारे ज़िले बन गए। हमारे वहाँ ज़िले की मांग जो है ये बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर ज़िला होगा तो हमारे वहाँ क्रीड़ा अधिकारी भी बैठेंगे, हमारे वहाँ अच्छे किस्म के कोच भी आएंगे, साई का कोच भी आएंगे, सब जगह से पहले आ चुके हैं, पहले काफ़ी मतलब यहाँ पर। और जहाँ तक खेलों का सवाल, हमारे वहाँ तो आर्मी से लगे हुए ऐसे ऐसे जो सर्विसेज कमांड खेले हुए हमारे बीच में से, यही बच्चे कल को कमांड खेलते हैं, कभी सर्विसेज खेलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। इसमें कई लड़के ऐसे हैं जो यहीं से इंडिया खेले हैं, जो नेशनल खेले हैं, जो संतोष ट्रॉफी खेलने गए हैं, अभी हमारे बीच में भी है यहाँ पर। तो मैं यही चाहता हूं कि साहब ये ज़िला बन जाता, और आपकी मेहनत को हम बहुत बहुत धन्यवाद हम कभी नहीं भुला सकेंगे, अगर आप इसके लिए प्रयास करेंगे। जितना आप कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं आप, वो हमारे को बहुत महसूस हो रहा है, और हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही बड़ा काम होगा अगर ज़िला बन गया तो। जैसे हमारी आज़ादी की खुशी मनाई थी हमने, उतनी बड़ी खुशी इसी फील्ड में मनाई गई थी, सबसे बड़ी आज़ादी की खुशी 1947 में। तो उसी टाइम से जो आज तक, मतलब हम आज अगर ये ज़िला बनता है तो इतनी बड़ी खुशी हम अभी भी मनाएंगे। पूरे शहर के खिलाड़ी सब इकट्ठा होकर ज़िले की कैप्टन के लिए मतलब वो करेंगे।